बात कर रहे थे। नमस्ते मैडम जी, तो आपका जो ये है बिजनेस, आपका कहाँ पे है, किस नाम से आपका काम? देखिए, ये किचन गार्डन एसोसिएशन जो हमारी संस्था है, हाँ जी, वो सब जो हमारे मेंबर बनते हैं उनको सबको ये हम बनाना सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। और जब हमारे ज्यादा हो जाते हैं प्लांट्स हमारे घर में, जो नर्सरी में हम प्लांट्स हैं उनको हम प्रोपोगेट करते हैं, एक से अनेक बनाते हैं। सही बात। और जब अनेक अनेक हो जाते हैं तो फिर उन्हें क्या करें, तो हमने ये एक मेला इसीलिए शुरू किया है कि हमारे मेंबर आके इस तरह की स्टॉल लगा के और अपने घर में जो पौधे इन्होंने बनाए वो बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो हर साल लगता है ये? हर साल लगता है और हर साल हम साल भर प्रपोर्ट करते बनाते हैं पौधे। अच्छा, और इस आज के दिन बेच देते हैं, दो दिन तीन दिन। बहुत बढ़िया। एक अडेनियम देखा मैंने, काफी बड़ा सा पुराना प्लांट है, लगभग कितने साल का होगा ये? 25 साल पुराना। अच्छा, 25 साल, 25 साल पुराना प्लांट है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है। काफी बड़ा क्यूडेक्स है और बहुत सुंदर प्लांट है। और आपके पास कौन कौन से हैं प्लांट्स वैसे यहाँ पे? देखिए, ये सब क्रिएटिविटी जो है, ये जेड प्लांट है। अच्छा, इसका अच्छा। हम लोग ये ऐसे बनाते हैं, ये रॉक्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा। इस तरह से जो डेकोरेशन के काम में भी आती है। अच्छा, अच्छा। ट्रे गार्डनिंग के काम में भी आती है ये रॉक्स। ये हमारे सारे एक पौधे से अनेक पौधे बनाए हुए हैं, सारी चीजें देखिए। ये हम लोग जैसे ये मनी प्लांट बनाया हुआ है, ये जो स्नेक प्लांट है जो कि एयर क्यूरिफायर का काम करते हैं, जो आजकल गमलों उसमें रखे जाते हैं, मतलब प्रोपोगेट करते हैं ना हर चीज को, तो ज्यादा बन जाते हैं तो फिर यहाँ पर आके सेल कर देते हैं। एक हमारी है ना क्रीपर है। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। इसके अंदर इस तरह के रेड बेरी जाते हैं ये, है ना, और ये इतना सुंदर लगता है जैसे लगता है अंगूरों का बंच आ रहा है। हाँ, ये छोटी सी बेल है व्हाइट फूलों की, पूरे साल इसमें फूल रहते हैं, 2 महीने कम रहते हैं। अब यही क्रिएटिविटी देखिए, इतने 8-10 साल से ये बनाते जा रहे हैं हम लोग, है ना, जेड का ये बनाया है। तो ये सब इस तरह से है ना, अलग अलग हम लोग मेंबर्स हैं और हम लोग इसी तरह से करते हैं। कई मेंबर्स होते हैं कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको बना बनाया चाहिए, तो आप ले जाइए और हम लोग नर्सरी से कम रेट में निकाल देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहाँ पे है मैडम आप? हम लोग वैशाली, नहीं, हम वैशाली नगर में हैं, वैशाली ब्रांच से हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग शोकिया घर में काम करते हैं, अपनी मेहनत टाइम पास करते हैं हम लोग अपना, और सब मेंबर्स का हो भी जाता है, सबको रिजनेबल रेट्स में प्लांट्स मिल जाते हैं। ये हमारा एम होता है। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। सारे प्लांट्स इसी तरह से हम लोगों ने तैयार किया है, मल्टीप्लाई किए हुए हैं सब। आप जो पीछे भी देख रहे हैं ना, ये सब सिंगोनियम है, अपना मोंटिसरप प्लांट है, वाइट तनबर्गिया की बेल है, क्रीपर जिसमें पूरे साल आते हैं, अम्ब्रेला पाम है। अच्छा, सब ये घर के तैयार करे पौधे हैं। बहुत बढ़िया। ये कलंचो मैं देख रहा हूँ, बहुत हेल्दी से है, बिल्कुल हेल्दी। ये सब कुछ बताना चाहें कैसे, क्या सर्वाइव कर पाए इनको? ये देखिए, सीजन जब खत्म होता है तब हम लोग इनको बचाना पड़ता है। फूल आने के बाद में काट दीजिए, और कहीं है ना गर्मियों में इनको ठंडे उसमें रखते हैं, शेड में, पेड़ों की छा के बीच में, बड़े पेड़ों के बाद छोटे पेड़ों को हम लोग रखते हैं और बचाते हैं, कोशिश करते हैं कि बचे, तो अगले साल के लिए फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और ये सारे हमारे गई साल के पौधे हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ केयर टिप्स आप बताना चाहें कलंचो के लिए, क्योंकि अभी कलंचो गर्मियां बढ़ेंगे तो कलंचो सर्वाइव करना प्रॉब्लम करेगा। पानी कम देना है अभी फुल। अच्छा। कटिंग के बाद में हम लोग इसमें मैन्योर वगैरह डाल के एक बार देसी कलंचो में, ये देसी कलंचो तो इसके अंदर सब ये कटिंग करके पत्ते वत्ते ऊपर से काट के और इसमें है ना हम लोग खाद वगैरह डाल के छोड़ देते हैं। अच्छा, पानी अच्छा। कम देते हैं इसमें, वेरिकेटेड में तो बहुत ही पानी कम दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। देसी में फिर भी हम लोग दे देते हैं। हाँ, और हाँ, जो जितने कई बार हमारे मरते भी हैं प्लांट्स, ऐसा नहीं है कि मरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बचाते हैं और आगे करते हैं। सही बात है, सही। चलिए, ओके मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।